वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल तन्मय उन्नति टैलेंट। सो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं आपको मैथ्स क्लास 8 चैप्टर नंबर 1 रैशनल नंबर्स में कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस सॉल्व करके बताऊंगा। फ्रेंड्स, मैं यहां बताऊंगा कि कैसे आप इन क्वेश्चंस को एक इजी वे में सॉल्व कर सकते हैं विदाउट एनी डाउट। तो चलिए शुरू करते हैं। सो फ्रेंड्स, चलिए हम फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर दिया हुआ है द सम ऑफ द एडिटिव इनवर्स एंड मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ 1/5 इज डैश। सो फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन में हमें 1/5 की एडिटिव इनवर्स और मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स दोनों को ऐड करके उसका सम निकालना है और जो भी आंसर आया उसे ब्लैंक में फिल करना है। तो चलिए इसके सॉल्यूशन देखते हैं। ये हमारा सॉल्यूशन नंबर 1 है। सबसे पहले हम एडिटिव इनवर्स निकालेंगे 1/5 का। सो फ्रेंड्स, एडिटिव इनवर्स का मतलब होता है कि अगर आपके पास कोई से भी रैशनल नंबर है और अगर वो पॉजिटिव है तो उसको नेगेटिव में कन्वर्ट कर देना, और अगर वो रैशनल नंबर नेगेटिव है तो उसे पॉजिटिव में कन्वर्ट कर देना। तो फ्रेंड्स, इनवर्स, एडिटिव इनवर्स यानी कि हम उसके साइन को चेंज कर रहे हैं, हम पॉजिटिव को नेगेटिव में कर रहे हैं और नेगेटिव को पॉजिटिव में कर रहे हैं। तो एडिटिव इनवर्स ऑफ 1/5 आएगा -1/5। अब हम मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स की ओर लुक ऑन करते हैं। तो फ्रेंड्स, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ 1/5 कितना होगा? तो फ्रेंड्स, बात करते हैं मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स की। तो अगर आपके पास कोई सा भी रैशनल नंबर दिया हुआ है तो हमें उसका सिंपली रेसिप्रोकल कर देना है। रेसिप्रोकल यानी कि न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर में कर देना है और डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर में कर देना है। जैसा कि यहाँ पर 1/5 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स 5/1 होगा। तो ये बहुत ही सिंपल है फ्रेंड्स, इसमें आपको कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना। अब फ्रेंड्स, इसके बाद हमें इनका सम निकालना है। सम यानी कि इन दोनों को ऐड करना है। तो सबसे पहले हम -1/5 लेंगे एंड देन +5/1 लेंगे। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर हम -1/5 और +5/1 ले रहे हैं। 5 एंड 1 का एलसीएम फ्रेंड्स 5 ही होता है। यहाँ पर हम ले रहे हैं -1 + 5 × 5 = 25 एंड डिनोमिनेटर में फ्रेंड्स 5 ही रहेगा। यहाँ पर -1 + 25 कर रहे हैं तो ये हो जाएगा 24/5। सो फ्रेंड्स, इसका आंसर आया हमारे पास 24/5। तो फ्रेंड्स, ये कौन सा ऑप्शन से मैच कर रहा है? यस, इट इज़ ए ऑप्शन। तो ये ए ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है। अब फ्रेंड्स, आप चाहें तो इसे मिक्स्ड फ्रैक्शन में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। फ्रेंड्स, मिक्स्ड फ्रैक्शन में इसे कैसे कन्वर्ट करेंगे? 5 को डिनोमिनेटर में रखेंगे और 24 को डिवाइड देंगे तो 5 × 4 = 20 आया और रिमाइंडर को ऊपर रखेंगे। तो फ्रेंड्स, 4/5 इसका आंसर है अगर आप मिक्स्ड फ्रैक्शन में लिखते हैं तो। नाउ फ्रेंड्स, लुकिंग टुवर्ड्स द सेकंड क्वेश्चन। सो सेकंड क्वेश्चन इज द सम ऑफ टू रैशनल नंबर्स इज -1। इफ वन ऑफ द नंबर्स इज -5/4 देन फाइंड द अदर नंबर। फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि अगर टू रैशनल नंबर्स का सम -1 है और उनमें से एक नंबर -5/4 है तो हमें उसका दूसरा नंबर फाइंड करना है जो -5/4 के साथ ऐड हो जाएगा तो -1 आएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, इसका सॉल्यूशन हम देखते हैं। इट इज सॉल्यूशन नंबर 2। तो फ्रेंड्स, सॉल्यूशन नंबर 2, यहाँ पर हम सम को देख सकते हैं कि द सम ऑफ रैशनल नंबर इज -1। अब फ्रेंड्स, जो अनोन नंबर है उसको हम x मान लेते हैं। लेट द अदर नंबर बी
बी एक्स। अब फ्रेंड्स इसका इक्वेशन क्या बना, तो अब हम इसको इक्वेशन में कन्वर्ट करेंगे। तो फ्रेंड्स क्वेश्चन के अकॉर्डिंग था हमारे पास, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, फ्रेंड्स क्वेश्चन के अकॉर्डिंग था हमारे पास -5.4 प्लस एक्स, जो अननोन नंबर है वो एक्स हो गया, और इक्वल्स टू -1। ओके फ्रेंड्स, तो हम इस इक्वेशन को सॉल्व कर रहे हैं। यहाँ पर एक्स रिमेन रहेगा और जो -1 है उसको हम रैशनल नंबर के फॉर्म में लिख देंगे, देन प्लस 5/4 कर देंगे। अब फ्रेंड्स जैसा कि हमें पता है कि 1 और 4 का एलसीएम 4 ही होता है, -1 × 4 करेंगे तो -4 होगा, देन प्लस 5। ओके फ्रेंड्स, अब देन 4। नाउ फ्रेंड्स -4 प्लस 5/4 हम करते हैं तो इसका आंसर आता है 1/4। तो फ्रेंड्स 1/4 कौन से ऑप्शन से मिल रहा है? यस, इट इज़ ऑप्शन ए। तो फ्रेंड्स जो ऑप्शन ए है वो इसका करेक्ट आंसर हुआ। तो यहाँ पर हमने एक्स की वैल्यू निकाली जो 1/4 है। 1/4 को अगर -5/4 के साथ ऐड करें तो उसका रिजल्ट -1 आएगा। सो फ्रेंड्स ये था हमारा आज का टॉपिक मैथ्स क्लास 8 चैप्टर नंबर 1 रैशनल नंबर्स सेक्शन ए, जहाँ पर हमने कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस किया। सो फ्रेंड्स तब तक के लिए आप सब मेरे चैनल को खूब सारा प्यार देते रहिए, मेरे वीडियो को प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे अहेड।